चाहती हूँ कि हमारे गांव में मध्य विद्यालय बने। इसके लिए जो है ग्रामीण लोग बोले क्या कि आप जो है प्रधान जी से बात करें या आगे बात करें, तो वहाँ हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। मेन बात तो यह है कि मेन रोड से और डबल रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ता है बच्चे को। इसके लिए बहुत बच्चे स्कूल भी जाने के लिए नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एक महिला है जो कि प्रीत है और विधवा है, उसका नाम जो है बिजली देवी। उनको 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 लड़की है। वो चाहती है कि मेरे बच्चे जो है कुछ पढ़ के आगे बढ़े। स्कूल कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर, 2 लड़का दोनों जाता है, 1 लड़की यही बगल में पढ़ता है। आपके गाँव में स्कूल नहीं है? स्कूल है तो यहाँ पहुँचे तक स्कूल है। जाने में क्या कठिनाई होता है बच्चे को? कठिनाई क्या होता है भाई, रेलवे लाइन टप करके जाता है, यही कठिनाई होता है। बच्चा को खतरना है और क्या होता है। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि अगर मध्य विद्यालय यहाँ बन जाएगा तो बहुत बढ़िया, बच्चा को दिक्कत नहीं होगा, सामना में बढ़िया से रहेगा, बढ़िया से पढ़ेगा। इस गाँव में लगभग यहाँ से कितने बच्चे जाते हैं स्कूल? कम से कम यहाँ से 200 बच्चे जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या का बच्चे सबको क्या होता है? समस्या ये होता है कि स्कूल दूरी पड़ता है, जाने में दिक्कत होता है, स्कूल नहीं जा पाता है, वहाँ से नाम काट देता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द स्कूल बने। और बिजली नाम के जो महिला है उसके बेटे और समुदाय के सभी बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए हम अपील करती हूँ कि आप जो है मेरे गांव के मुखिया है, उनका मोबाइल नंबर है 94-30-27-95-33, इस पे कॉल करके मेरी मदद करें और उस पे दबाव बनाएं कि जल्द से जल्द हमारे गांव में स्कूल बने। मैं नविता, गांव गांधीग्राम, ब्लॉक बरारी, जिला कटिहार, बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।